हेलो दोस्तों, आप सभी के मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मक्की के ढोकले राजस्थानी स्टाइल में। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे मक्की के ढोकले। मक्की के ढोकले बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मक्की का आटा, एक बड़ी कटोरी। यहाँ लिया है एक छोटी कटोरी दही, और यहाँ लिया है सोयाबीन का पाउडर, और यहाँ लिया मैंने सूजी एक कटोरी। ढोकले बनाने के लिए यहाँ पर गैस पे चढ़ा दिए फ्राई पैन। फ्राई पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो फ्राई पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब डालेंगे इसमें तेल। थोड़ा सा तेल लिया है मैंने, 4 बड़ी चम्मच। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ डालेंगे, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन, जिसको हमने बारीक बारीक कल चॉप कर लिया था, और लहसुन अदरक को हम फ्राई कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें हरी मिर्ची और प्याज। एक प्याज लिए हमने 1 बड़ी, और हरी मिर्ची लिए 3। और हरी मिर्ची और प्याज को लहसुन को भी अच्छे से सेक लेंगे, और ज़्यादा नहीं सेकना, हमें कम ही सेकना है। तो प्याज और हमारे लहसुन है जो हल्की सी सुनहरे होने तक हमने इसको सेक लिया है। अब डालेंगे इसमें टमाटर। और टमाटर को भी हल्का से फ्राई कर लेंगे। हमारे हल्के से फ्राई हो गए। अब डालेंगे इसमें मटर। मटर हमने थोड़ी सी हल्की सी इसको दरदरा हमने करके लिए। आप चाहो तो साबुत भी ले सकते हैं मटर हरी। सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई और ये बनके तैयार है। अब डालेंगे इसको मक्की के आटे में। इसी के ऊपर हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। गर्म है तो हम इसको मिला नहीं सकते अभी। तो ये हल्का सा ठंडा हो गया है। अब डालेंगे इसमें सूजी। और इसी के साथ डाल देंगे यहाँ सोयाबीन का पाउडर। और इसी के साथ डाल देंगे दही। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने अच्छे से मिला लिया है। अब डालेंगे इसमें हल्दी, आधी छोटी चम्मच। और इसी के साथ डालेंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। और इसी के साथ डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर आधी छोटी चम्मच। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और इसी के साथ डालेंगे यहाँ पे चिली फ्लेक्स। और इसी के साथ डालेंगे धनिया कटा हुआ। धनिया में थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। और फिर वापस से मिला लेंगे। अब मिलाएंगे हाथ की सहायता से इस तरीके से। तो मैंने हाथ की सहायता से अच्छे से मिला लिया है। अब डालेंगे इसमें आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, और यहाँ डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका मिक्स करते हुए एक डो बना के तैयार करना है हमें। तो हमने मसल मसल के इसको इस तरीके से डो बना लिया है। तो ढोकले बनाने के लिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया पानी। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक होने देंगे जब तक पानी में बॉयल नहीं आ जाता। तो जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, जब तक हम इधर बना लेते हैं ढोकले। थोड़ा सा हाथ पे तेल लगाएंगे और आटा उठाएंगे थोड़ा सा इस तरीके से, और हम ढोकले हैं जो बना के तैयार करेंगे।
इस तरीके से बनाने हमें। तो यहाँ पे एक ढोकला बन गया है और इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाएंगे। थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरीके से आप छोटे बड़े बना सकते हो अपने पसंद के हिसाब से। और थोड़ा सा दबा देंगे इसको। तो हमारे दो ढोकले बनके तैयार हैं और इसी तरीके से हम सारे बना के तैयार करेंगे। तो सारे ढोकले हमने बना के तैयार कर लिए हैं और इधर लिया मैंने एक चलनी और इस पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे हम चारों तरफ, ताकि ये ढोकले हम रखें तो इसके ऊपर तो चिपके नहीं। और इसमें ढोकले हम रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे चलनी में जितने मेरे ढोकले आए हैं उतने मैंने रख लिए। तो इसको गर्म पानी, इधर हमारा गर्म पानी अच्छे से हो गया है और इस पर चलनी रख देंगे हम। और इसके लगा देंगे ढक्कन करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है। तो हमारे 15 मिनट हो गए हैं, चेक करेंगे और इनको अंदर से हम चाकू के सहायता से देख लेंगे। तो देखिए बिल्कुल भी बिल्कुल बन के यानी तैयार है, चाकू पे बिल्कुल आया नहीं है और चाकू हमारा एकदम क्लियर लिख रहा है। तो हम इनको निकाल लेंगे और बाकी के ढोकले जो बचे थे हम हमारे वो भी रख देंगे इसी तरीके से। ने इनको भी प्लेट में निकाल लिया है और बाकी के बचे हुए भी इधर हमने चढ़ा दिए। तो हमारे बाकी के भी ढोकले देख चेक करेंगे। तो देखिए ये बाकी के भी ढोकले अच्छे से बन गए हैं, अब इनको भी निकाल लेंगे प्लेट में। यहाँ पे सारे ढोकलों को निकाल लिया है प्लेट में। तो ढोकले मक्की के बन गए हैं तैयार। अगर मक्की के ढोकले पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मक्की के ढोकले कैसे लगे। तो ढोकलों को आप दाल के साथ, चटनी के साथ खा सकते हो, आलू की सब्जी के साथ भी खा सकते हो। तो ढोकले अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए।